एंड आई एम श्योर जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो शी विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और अगर खुश नहीं है तो खुश हो जाइए, बिकॉज नया साल आने वाला है और इस नए साल में हम एक रेजोल्यूशन ज़रूर लेंगे कि हम लोग बहुत हैप्पी रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हैप्पी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो। तो यस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज है फ्राइडे। ये वीक ना बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वर्किंग था, ट्यूसडे भी हाफ डे वर्किंग था मेरे हस्बैंड का, और वेंसडे वॉज ऑफ बिकॉज ऑफ क्रिसमस, फिर थर्सडे फ्राइडे, तो लग ही नहीं रहा है कि वीक स्टार्ट हुआ। बस ऐसा लगा वीक स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया छुट्टी छुट्टी में ही। तो यस, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को तो वैसे ही लगना स्टार्ट हो जाता है कि वीकेंड आ गया। तो अभी आफ्टरनून टाइम है, 12:30 हुआ है और मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था मैं कॉस्को से बटर लेकर आई हूँ, तो मैं घी बनाने वाली हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर भी पूछ रही थी कि मैंने कभी घी बनाया है क्या घर पे, तो मैं आज पहली बार घी बनाऊंगी। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है घी बनाने का, बट यस मेरी एक फ्रेंड बनाती है तो उसने भी मुझे बोला कि बहुत अच्छा घी बनता है, तो ट्राई करके देखो, तभी मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, होप सो अच्छा बने। तो आप लोगों के सामने ही बनाऊंगी, रिजल्ट आप लोगों के सामने ही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला बटर है कर्कलैंड ब्रांड का, जो मैं कॉस्को से लेकर आई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स आए थे, मैं आज 2 यूज़ करने वाली हूँ घी बनाने के लिए। और ये हर एक ब्लॉक जो है 453 ग्राम्स का है, तो ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स का बटर मैं बनाऊंगी, घी बनाऊंगी 900 ग्राम्स बटर से। तो देखते हैं कैसा घी बनता है और कितना बनता है इससे। तो अभी मेरा बटर मेल्ट हो गया है, काफी फ्रॉथी सा है, और मैंने गैस को एकदम लो पे कर दिया है, 4 पे करके मैं कुक करूंगी बटर को, क्योंकि बहुत जल्दी बटर ना जल जाता है। एंड मैंने एक ब्लॉक लिया है बटर का, क्योंकि मुझे लगा अगर नहीं बना या अच्छा नहीं बना तो मिनिमम रिस्क लेते हैं, मिनिमम डैमेज करते हैं, और अगर अच्छा बन गया तो मैं बाद में और बना लूंगी। अंशुल ना बहुत पिकी है व्हेन इट कम्स टू घी, क्योंकि उन्हें ना घी की स्मेल चढ़ जाती है, तो वो अमूल वाला जो घी आता है ना, बस वही प्रेफर करते हैं। लाइक आपने देखा होगा मेरे हर ग्रोसरी हॉल में हम अमूल वाला घी ही लेकर आते हैं। एंड एक टाइम था जब हम ट्यूसॉन में थे, तो हमारे इंडियन स्टोर पे ना अमूल वाला घी ड्यू टू सम शॉर्टेज आ ही नहीं रहा था, तो हम किसी और ब्रांड का घी लेकर आ गए। फिर उनसे वो खाया ही नहीं गया मेरे हस्बैंड से, उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी उससे। तो फिर जो ऑनलाइन देसी स्टोर्स होते हैं, उन्होंने वहाँ से अमूल का घी ऑर्डर करके मंगवाया। तो या मैं मुझे पता नहीं कि ये वाला घी कैसा उन्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा, बट आज मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, तो अगर नहीं भी अच्छा लगा तो फिर इसे मैं अपने पूजा में यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंड आई गेस बबल्स फॉर्म जब होते हैं तो इसका जो पानी होता है बटर का, वो इवेपोरेट हो रहा होता है। बस 2-3 मिनट और मैं इसे कुक करूंगी और उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा खुद भी कुक होता रहता है, घी अभी बहुत तेज़ गर्म है। तो बस मैं इसे ऊपर ऊपर से इस तरीके से चला रही हूँ, जिससे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे हैं वो बैठते जाएँ और घी मेरा पकता जाए। एंड कलर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है वैसे देखने में। मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब बस घी अपने आप थोड़ा सा जो भी है गर्म में पक रहा है, और आप देख सकते हो बबल्स अभी भी फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं इस स्टफ से हटा के इसे रख देती हूँ, अदरवाइज ये पूरा ब्राउन हो जाएगा। और ये देखो मेरा ब्यूटीफुल घी, कितना सुंदर येलो कलर आया है इसका। अभी तो बहुत तेज़ गर्म है, जब ये थोड़ा सा जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका एक्चुअल कलर क्या है। तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी सारा बन गया यार 450 ग्राम्स में ही, और अगर हबी ने ये पास कर दिया तो समझो बहुत सही है। तो फाइनली मेरा बहुत अच्छा सा घी बनके तैयार हुआ है, एंड आई एम सुपर हैप्पी। मुझे ये मेथड ना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा, बिकॉज कल कॉस्को से मैं 4 ब्लॉक्स ऑफ बटर लेकर आई थी जस्ट फॉर $10, एंड मैंने आज एक ब्लॉक का घी बनाया है, ऑलमोस्ट आधा किलो तो घी बन गया है, विच विल लास्ट मी फॉर अबाउट 15-17 डेज आराम से। और जो हम इंडियन स्टोर से अमूल वाला घी लेकर आते हैं ना,
वो 1 kg का पैक आता है एंड इट इज़ लाइक 10 और 11 डॉलर्स। तो यार 4 ब्लॉक ऑफ बटर से तो मैं आराम से 2 किलो घी बना सकती हूँ। अगर इसका टेस्ट अच्छा हुआ ना तो डेफिनेटली फिर मैं घर में ही घी बनाया करूँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो शी विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैंने फाइनली घी वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया है घर में। जिस लड़की को कुछ काम नहीं आता था, जो कुछ काम करना नहीं जानती थी, फाइनली वो घर पे सब काम कर लेती है। अगर आपने मेरा इंडिया व्लॉग में माय फैमिली व्लॉग नहीं देखा ना, वो ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मम्मी बताएंगी कि मैं शादी से पहले कैसी आलसी हुआ करती थी। बट यस, शादी, बच्चा, घर सब कुछ सिखा देता है। स्पेशली लड़कियां तो सब सीख जाती हैं विद टाइम। और अगर आप मेरी तरह कभी फॉरेन कंट्री में आके रहने लग जाओ जहाँ पे कोई डोमेस्टिक हेल्पर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, तो आप और ज़्यादा काम सीख जाते हो। तो यस, ये है मेरी स्टोरी। आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस अभी मैं 5-7 मिनट बैठूंगी, उसके बाद गोविंद और मैं जाने वाले हैं वॉलमार्ट और बेड बाथ एंड बियॉन्ड, क्योंकि हमारे घर के पास जो बेड बाथ बियॉन्ड है ना, वो स्टोर पूरा क्लोज़ हो रहा है, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छी डील्स हैं। तो अगर मुझे घर के लिए कुछ चीज़ समझ आ गई तो वो मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। तो सोचा अभी थोड़ा सा अच्छा सा वेदर है, बाहर धूप है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो थोड़ा सा निकल जाते हैं, दोनों की आउटिंग हो जाएगी। मैं घर से निकलते वक्त अंशुल को बताकर आई थी कि जो घर के पास वाला वॉलमार्ट है वहाँ जा रही हूँ, और अंशुल भी उसी टाइम घर से अपने ऑफिस से निकल गए होंगे। और जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की अपनी, वैसे ही मुझे अंशुल मिल गए। डरा दिया इन्होंने मुझे, पता है, मेरी गाड़ी के एकदम साइड में अपनी गाड़ी पार्क करके और अपना मुँह ऐसे निकाल के खड़े हो गए। ओ माई गॉड, मैं तो अपनी गाड़ी बहुत दूर पार्क करती हूँ, मैं भीड़ में नहीं लेकर आती, क्योंकि मुझसे ना अभी भी पार्किंग में ऐसे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बीच में अपनी गाड़ी नहीं लग पाती, तो मैं दूर पार्क कर देती हूँ, थोड़ा सा वॉक करके आ जाती हूँ। तो चलो अभी वॉलमार्ट से थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, और आज शाम को पटेल ब्रदर्स भी जाना है, क्योंकि बहुत सारा इंडियन सामान हमारे घर का ख़त्म हो गया है। तो फटाफट से यहाँ से शॉपिंग करके घर निकलेंगे। मैंने अंशुल से पूछा, आप मेरा वॉलमार्ट तक पीछा करते करते क्यों आए? तो व्हाट ही सेड पता है आपको? उन्होंने बोला, बस मुझे ना ये देखना था कि तुम रोड पे चलते हुए कितने सारे लोगों को डराती हो। तो अगर आपके भी हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह है ना, जो आपकी बहुत सारी लेग पुलिंग करते हैं, तो कभी भी आप अच्छा कुछ एक्सपेक्ट मत करना आपके लिए कि वो आपके लिए कुछ तारीफ वाले वर्ड्स बोलें, कुछ अच्छा बोलें। क्यों? उन्होंने बोला, बस मुझे देखना था कि तुम जैसे मुझे घर में डराती हो, वैसे लोग कितना तुमसे डरते हैं जब तुम रोड पे चलती हो। तो मैंने कहा, भाई ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से ड्राइव करती हूँ, अब लोग नहीं डरते हैं, तो अच्छे से मैं ड्राइव कर लेती हूँ। तो ये सब तो चलती रहती है ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक। और आज हम लोग पटेल ब्रदर्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अंशुल बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टायरिंग सा लग रहा है। तो मैंने जो 2-4 चीज़ें घर की ख़त्म हो रखी थी ना, खाने पीने की भी, वो भी मैंने वॉलमार्ट से ही ले ली। फिर पटेल ब्रदर्स या तो हम कल या फिर परसों कभी जाएंगे वीकेंड पे। वैसे हम थर्सडे या फ्राइडे को ही चले जाते हैं, जिससे कि वीकेंड थोड़ा सा फ्री मिलता है, बट आज मन नहीं है। और बेड बाथ से भी मैं बस एक चीज़ लेकर आई हूँ, तो मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। हम लोग लाए हैं बनाना ब्रेड, मोज़रेला चीज़, और हम लोग ये वाली ओट नट वाली ब्रेड लेते हैं, बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत एक अच्छा सा क्रंच होता है ओट्स का, तो ये वाली ब्रेड लेकर आई हूँ मैं। कॉटन बॉल्स मेरी ख़त्म हो रही थी तो ये लिया, एक कोम्ब लिया, और मैंने 2 कलर्स लिए हैं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू 1 DIY पेंटिंग। न्यू ईयर आने वाला है तो सोचा चलो थोड़ा सा एक पेंट वेंट करते हैं। मेरे पास कैनवस रखा हुआ है तो उसको यूज़ करना है, तो ये 2 पेंट मैंने लिए हैं। एक निविया सॉफ्ट क्रीम ली है अंशुल के लिए, उनको कोई होश व हवास नहीं रहता कि उनकी क्रीम ख़त्म हो गई है कितने दिन से, तो आज मैंने देखा तो मैं ये लेकर आई हूँ। और एक ये है आफ्टर शेव, वो लेकर आए हैं अपने लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बेड बाथ से क्या लिया है। तो बेड बाथ एंड बियॉन्ड से मैंने ये ब्यूटिफुल सा टेबल रनर लिया है, बहुत सुंदर सा लग रहा था मुझे फ्लोरल प्रिंट में ना, और इसमें ना ऐसे अच्छी सी कढ़ाई हो रखी है, थ्रेड वर्क है ये पूरा। तो ये एक मैंने लिया, आई थिंक इट वॉज जस्ट फॉर 6 or 7 डॉलर्स, तो मुझे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव लगा, मैंने कहा चलो एक ये ले लेते हैं। एंड ये आई थिंक 50% ऑफ पे था। शाम के स्नैक्स के लिए गरम करे गए हैं आज समोसे बाय मिस्टर हबी। ये फ्रोजन समोसे थे हल्दीराम के,
और ग्रिलर पे ही गर्म हो गए हैं बहुत अच्छे से। ये वाले समोसे ना बहुत ज्यादा अच्छे थे, गोविंद को भी बहुत पसंद आए। गोविंद ने खाया समोसा? कैसे खाया? नहीं खाया? खाया तो है। अभी मैं आपको ना किचन में जाऊंगी तो दिखा दूंगी कौन से वाले समोसे हैं। स्पाइसी नहीं है तो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और सिंपल ग्रिलर में ही गर्म करके इजीली हो जाते हैं। और गोविंद अब हो रहा है थोड़ा सा स्लीपी, तो अभी हम लोग सोफा पे बैठेंगे और गोविंद को ट्राई करेंगे थोड़ा सा वो नैप कर ले और हम लोग देखने वाले हैं एक मूवी। अभी बस मैं डिनर की प्रेपरेशन करने के लिए किचन में आई हूँ और ये वाला समोसा है जो मैं आपको कह रही थी कि बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। ये हल्दीराम्स का कॉकटेल समोसा है। आप इसे ना ग्रिलर में भी गरम कर सकते हो, हम तो ग्रिलर में ही गरम करके खाते हैं। इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी है। और ये देखिए मेरा घी फाइनल लुक बहुत अच्छा आया है, अच्छे से जम गया है, ठंडा हो गया है एंड खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आज मैं सबको रोटी पे लगा कर देने वाली हूँ। डिनर में आज बन रही है एग करी, उसके लिए टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च मैंने डाल दी थोड़े से घी में और थोड़ा सा काजू। अब इसे मैं अच्छे से सॉटे करूँगी और फिर ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करके मैं वो वाली ग्रेवी बना रही हूँ। गोविंद को ये वाली ग्रेवी ना बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरे एग्स बॉयल हो रहे हैं। ये देखिए स्पेशल तरीका एग्स को छीलने का, किसी भी इस तरीके से कंटेनर में डाल के। और ये देखिए इसकी स्किन कितनी लूज हो गई है, बस अब इसे छील लेंगे। घी में हींग जीरा तड़क गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी टमाटर और प्याज की प्योरी। मसालों में डाला थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग मसाला, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। और ग्रेवी को बहुत ज़्यादा देर मैं कुक नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी टमाटर और प्याज इसमें कुक्ड है। तो अब मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी साथ में। तो हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया है और गोविंद इज ऑल सेट फॉर द बेड। अभी 7:40 हुआ है और बस अब मैं इसे सुला दूंगी क्योंकि आज ये दिन में भी नहीं सोया। तो जिस दिन में नहीं सोता ना, अच्छा ठीक है, अभी हम बुक्स रीड करेंगे। अगर बुक्स रीड करते करते नींद आ गई तो हम सो जाएंगे, अदरवाइज फिर हम प्ले करेंगे। ओके तो मुझे आइसक्रीम खानी है। ओके ठीक है, तो फिर अभी हम थोड़ी देर बुक्स रीड करेंगे और अगर हमें बुक्स रीड करते करते आइसक्रीम खानी होगी तो हम आइसक्रीम खाएंगे एंड देन वी विल प्ले और स्लीप, वी विल डिसाइड लेटर। तो बस अभी 5-10 मिनट के बाद इसका काम हो जाएगा और जिस दिन दिन में नहीं सोता उस दिन मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी ये बेड में आ जाए। तो अभी 7:40 हुआ है एंड वी आर डन फॉर द डे एंड नाउ वी विल रीड अ बुक। सो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और हाँ, व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि घी मेरा पास हो गया है। घी का टेस्ट अंशुल को कोई पिक्यूलियर सा नहीं लगा, कोई स्मेल नहीं आ रही, अच्छा लगा रादर। मैंने सब्जी भी उसी में बनाई, रोटी पे भी अच्छे से लगा कर दिया। तो यस, दिस इज़ अ नाइस वे ऑफ मेकिंग घी, बहुत क्विक है और बहुत इनएक्सपेंसिव भी है। तो यस, मैं अब घी घर में ही बनाया करूँगी। तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा, मुझे आपके कमेंट्स रीड करना बहुत सारा अच्छा लगता है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय करो। गुड नाइट नहीं बोलना, बाय बाय।